ये उचित समय आया नहीं, उचित समय तब आया जब श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, ये पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, 370 का बहुत सारा अच्छा बुरा उपयोग दुरुपयोग भी हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इमरजेंसी आई सर, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आई कि सारे विधायक मंडल और सारी संसद का कालखंड 6 साल कर देंगे। तब से जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 होते हुए उसको एडॉप्ट कर दिया, 6 साल कर दिया। बाद में मोरारजी देसाई आए, मोरारजी भाई आए, उन्होंने डू अनडू कर दिया, 6 साल से फिर से 5 साल किया। मगर 370 के कारण वहां 5 साल नहीं हुआ, आज भी 6 साल ही है। इस प्रकार से अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो मैं मानता हूं मान्यवर कि ठीक नहीं होगा। काफी सारे सदस्यों ने काफी सारी बात जानना चाहिए। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए। मैं प्रसन्न आचार्य जी को स्पष्टता करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का बिल लेकर मैं इसलिए आया हूं कि सदन में तो आज पास हो जाएगा साथ में, मगर वहां का सदन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर वहां पहले वहां का सदन भी पास कर देगा तो मैं रिजर्वेशन के बिल को नहीं मूव करूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेगा। और उस सबसे पहली शुरुआत स्वपन दास जी ने कहा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं है। स्वपन दास जी नहीं है, अगर सभापति महोदय कहते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक ये यूटी रहेगा। मान्यवर, मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी, मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम। और मैं